नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी बुलंदी पाकर खुद को भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर जिनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक पावर है, तो कितने भी ऊंचाई में जाएं फिर भी उनके अंदर अहंकार नहीं होता। दोस्तों, आज आपके बीच में एक ऐसी प्यारी सी बच्ची को पेश कर रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन में वो आध्यात्मिक शक्ति को अनुभव किया है, और केवल इसी जन्म में नहीं बल्कि पुराने जन्मों की कुछ बातें भी उन्हें याद है। आध्यात्मिक शक्ति से वो सशक्त है और ये दिखता है उनके चेहरे से, चेहरे की मुस्कान, नैनों की रूहानियत। तो आइए आपको मिलाता हूँ ऐसी नन्ही परी को जिनका नाम है अनन्या। तो प्लीज वेलकम कुमारी अनन्या। वाह अनन्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू। वाह वेरी गुड। तो चलिए अनन्या बैठते हैं, बैठ के बातचीत करेंगे। ओके। आए बैठिए। अच्छा, तो आपका नाम अनन्या है ना? अनन्या है। अनन्या का मतलब पता है क्या? अनन्या बच्चे बार बार मुरली में आता है। हाँ, अनन्या बच्चे मेरे अनन्या बच्चे बाबा मुरली में बोलते हैं, इस हिसाब से आपका नाम अनन्या स्पेशल है ना, इसका मतलब है ना। तो अनन्या आप कहाँ से आई हो? मैं तो वैसे परम धाम से आई हूँ। अच्छा, परम धाम से। वो तो आपकी आत्मा की बात होगी, मैं वैसे लौकिक रूप से आपकी शरीर कहाँ से आई है वो पूछ रहा हूँ। वैसे तो मेरे शरीर तो आई है जूनागढ़ से। जूनागढ़ से? जूनागढ़ गुजरात है ना। अच्छा, तो अनन्या अभी पढ़ाई चल रही है आपकी, कौन से क्लास में हो? सेकंड। सेकंड क्लास में। और कितने साल की हो गई अभी? मैं 6 साल की हो गई हूँ। अच्छा, 6 साल की हो गई हो, और आप तो हमें दीदी लग रही हो, साड़ी पहन के आई हो। ये साड़ी क्यों पहनी है? साड़ी का मतलब होता है हम जैसे कि पहले पहले की दीदियाँ एक अलग अलग अपना यूनिफॉर्म पहनती थी, और अब धीमे धीमे साड़ी और टॉप का आने लगा। और आप ब्रह्मा कुमारी जो सेंटर है वहाँ भी जाती हैं? हाँ, मुरली सुनने जाते हैं। मुरली सुनने जाते हैं। अच्छा, मुरली में आपको क्या अच्छा लगता है? मुरली में बस मुझे ऐसा बार बार ऐसे कहते हैं ना अनन्या बच्चे, वो सब कहते हैं, तो मुझे उसमें याद आता है कि मेरा नाम इसलिए अनन्या रखा होगा, पिछले जन्म में कुछ और होगा मेरा नाम, इसलिए बाबा ने मेरा नाम ये रखा है। अच्छा, शिव बाबा ने आपका नाम अनन्या रखा है। वाह भाई। जैसे कि उनको मेरे यादी के लिए ना रखा हो वैसे। अच्छा, तो अनन्या आप तो इतने अच्छे बात कर रही हैं। अनन्या का मतलब ही स्पेशल होता है, और बहुत अच्छा जो श्रेष्ठ काम करते हैं। तो आप तो क्या काम करना चाहते हैं अपने जीवन में? अपने जीवन में बस मैं इतना काम करना चाहती हूँ वो बताती हूँ। बड़ी होकर मैं सब सेंटर में जाके पूरी विश्व की सेवा करती रहूँगी। अच्छा, इतनी बड़ी ऊंची लक्ष्य, बहुत बच्चा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। और आप विश्व सेवा के लिए अभी से सफ़ेद साड़ी पहनना एक बहुत अच्छा संकल्प आपने किया है। तो ये बाबा का जो ज्ञान है, शिव बाबा का ज्ञान, ब्रह्मा कुमारीज में आप जाते हैं, तो आपको इसमें मम्मा बाबा के बारे में ऐसी क्या बात आपको अच्छा लगता है वो बताएंगे? हाँ, मुझे ऐसे ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगती थी। तो मम्मा सबसे पहले 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 वो योग कर रही थी। एक दिन वो पूजा पाठ वो सब होता है ना, वो कर रही थी, ऐसा कुछ काम कर रही थी। तो उनको वो जहाँ भी देखे वहाँ पर बस शिव बाबा ही दिखते रहते अच्छा। थे, और उनको अपने आप धीमे धीमे उनको अपने आप वो आया आइडिया, तो वो उनको सेंटर जाने का आइडिया आया, तो वो सेंटर गई और वहाँ पर बाबा ओम धोनी बुलाते थे, वो सब हम आत्माएं वो सब बुलाते रहते थे, और धीमे धीमे मम्मा ज्ञान में आ गई।
उनको सब लोग कैसे कहते थे, ये ब्रह्मा कुमारी जाना छोड़ो और ये ओनियन गार्लिक खाने लगो, तो भी मम्मा नहीं अच्छा, छोड़ती मतलब थी। उनके आसपास पड़ोस के लोग जो है उन मम्मा को मना करते थे सेंटर में या ब्रह्मा कुमारी में जाना, है ना? और उनको ऐसा भी कहते थे, अगर नहीं खाओगे ना ओनियन गार्लिक का तो जेल में डाल देंगे। अच्छा, इतना। फिर तो भी मम्मा ने नहीं खाया, अपने पापा के साथ रही वो सब। फिर धीमे धीमे वो लोग भी ओम शांति में आने लगे। अच्छा, पहले तो हम जानना चाहेंगे अनन्या कि आप ब्रह्मा बाबा की बात सुनने से पहले आप कहीं पढ़े हैं, किसी ने बताया है आपको ये सब कहानी, आपको कैसे याद आता है या कोई बताए हैं, कैसे आपके मन में मुझे याद आता याद आता है? मतलब इस जन्म में किसी ने बताया नहीं है, पढ़े भी नहीं है, किसी टीचर ने नहीं बताया, पिछले जन्म की कोई बात आपको याद आ रहा है, ऐसा है? अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। और ये कहाँ की बात है, याद है आपको कहाँ की बात होगी ये? ये ब्रह्मा बाबा की बात है, ये हाँ, ब्रह्मा बाबा की बात, पर जगह याद है? सिंध कराची की बात है। अच्छा, सिंध कराची जो पाकिस्तान में है आजकल, है ना? उस टाइम तो बंटवारा नहीं हुआ था, तब की बात है। अच्छा, तो अनन्या अभी आप योग भी करती हैं सेंटर पे? करती हैं तो अभी हमें कुछ, जैसा आप योग करती हैं ना, कुछ योग कराइए ना हमको। अच्छा, फरिश्ता चलिए भाई, तो हम योग कर रहे हैं, आप योग कराइए। बता, मैं आत्मा उड़ चली वतन, चांद तारों को भी पार करके और ऊपर, और मेरा फरिश्ता वतन आ गया। मेरा फरिश्ता वतन में लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। वहाँ पर ब्रह्मा बाबा मेरे सामने बैठे हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, मेरा मेरा शरीर नीचे ही पड़ा है और मैं आत्मा बाबा के पास हूँ। बाबा मुझे चमकती हुई दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देने के बाद उन्होंने बहुत सारी मुझे शक्तियाँ दी। मैं उनकी जैसी पूरी हो गई, मेरे में उनके जैसे मेरे में से भी प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। और मैं आत्मा स्वस्थ हो गई हूँ। माया कभी मुझे अपने जाल में नहीं फंसाएगी, बाबा मेरे साथ है। और मैं नीचे उतरती आई और नीचे, और मैं अपने शरीर में आ गई। मैं चमकती हुई आत्मा, और जैसे ही मैं शरीर में आई, मेरे अंदर से, मेरे शरीर से बाहर प्रकाश निकल रहा है। और प्रकाश फैलते हुए सबके घरों में जाकर सबके अंदर जा रही है। बाबा के प्रकाश दृष्टिया और धीमे धीमे मेरा सत्य दिखने लगा है। मैं सत्य में पावन होगी, वहां पर कोई दुख की बात नहीं होगी।
चमकती हुई आत्मा बाबा की जैसी हो गई। बाबा मेरा बहुत अच्छा है, मेरा सच्चा दोस्त है, मेरा एक बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ओम शांति। वाह अनन्या, बहुत अच्छा लगा, आपने तो प्यार के आंसू ले आए मेरी आंखों पे, आ गए ना, मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में भी बाबा उतर गए ऐसे, है ना। अच्छा तो अनन्या, आप सेंटर में और क्या क्या कराती हैं योग के अलावा? योग के अलावा मूल्य के पॉइंट्स बोलती हूँ और सबको समझाती हूँ आत्मा हम है वो क्या चीज़ होती है। शिवरात्रि का शिव और वो दोनों अलग होते हैं और जन्म जन्मांतर के वो शिव वाला। अच्छा तो अनन्या, हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे समझाते हैं, थोड़ा सा समझाएंगे हमें भी? तो आपके लिए एक चित्र लाते हैं, चलिए समझाइए। हमारी आत्मा इधर इधर होती है। अच्छा और हमारी आत्मा किससे बनती है? मन बुद्धि, ये मन है, ये बुद्धि है और ये संस्कार है। और ये निर्णय लेती है कि हमको अच्छे कर्म करने हैं कि बुरे करने हैं। अगर हमको अच्छे कर्म करने हो तो वो अच्छे कर्म करेगा, गलत कर्म करना हो तो गलत कर्म करेगा। और ये निर्णय लेती है वो सब। अगर आत्मा इधर से निकल गई तो ये हमारे एक मांस का पुतला हो जाएगा। अच्छा, ये हड्डी मांस का सिर्फ पुतला है, आत्मा अगर निकल गई तो। अच्छा हाँ। तो हमारी आत्मा इधर रहती है। अच्छा जैसे कि आत्मा ड्राइवर इधर बैठती है वैसे ही इधर ड्राइवर बैठेगा। अगर पीछे बैठेगा तो कहाँ से हाँ, तो चलाएगी? गाड़ी इनबैलेंस होगा, चल नहीं पाएगी ना। ये शंकर है और ये शिव में इतना फर्क होता है। वो सब लोग कहते हैं दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही अच्छा होते हाँ, हैं। पूरी दुनिया में भक्ति में लोग कहते हैं शिव और शंकर तो एक ही है, हाँ। लेकिन इसका अंतर आप बता रहे हैं, बताइए। तो ये जो शंकर है वो लेकर बैठते हैं। ये जो शिव की पूजा ही करते रहते हैं, मतलब ये एक बालक बनकर शिव की पूजा तपस्या कर रहा है। अच्छा, ये शंकर तपस्या कर रहा है बालक बनकर, और ये शिव इनकी पूजा करते हैं ना, शंकर जो है शिव की पूजा कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। फिर तो ये अब समझाती हूँ। अब ये शिवरात्रि क्यों कहते हैं उसके बारे में है। शिवरात्रि इसलिए कहते हैं कि शिव है तो ये किसकी रात है? शिवरात्रि है ना, शिव शिवरात्रि। और रात्रि, मतलब ये शिव और ये रात, रात के भूत। अच्छा, रात के भूत और ये और रात 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 में जो भी ये किसकी रात है वो किसी को तो मालूम नहीं होती। ये रात होती है भूतों की रात। अच्छा अगर हम योग करेंगे तो हम बाबा हमारी ये सारे भूतों से बचाएगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सभी से बचाएगा ये बाबा हमारा। अगर हम योग नहीं करेंगे ये सारे विकार हमारे अंदर आ जाएंगे। अंदर आ जाएंगे, वाह। अगर हम योग करेंगे तो ये सारे विकार हमारे अंदर नहीं आ सकते, नहीं आ सकता, वाह भाई। इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि शिव जो है अंधेरी रात में, कलयुगी रात में आते हैं, ये आके सब विकारों को नष्ट करते हैं, ऐसा। वाह भाई, बहुत अच्छा। और पहले पहले हम सतयुग में राजा नानी के तरफ अच्छा जैसे रहते थे और उधर हम 8 जन्म लिए।
देते अच्छा थे, ठीक और हम धीमे धीमे चांदी के वहां पर आ गए, तो उधर हम 12 जन्म लेने 12 जन्म, लगे, अच्छा त्रेता युग में है ना। और धीमे धीमे हम इधर आ गए, द्वापर अच्छा इधर माना कौन सा युग है ये। युग है। और धीमे धीमे शिव की पूजा करने लगे, कृष्ण की पूजा, फिर हमारी पूजा, ये सब करते करते हम कलयुग में आ गए, और धीमे धीमे मारना शुरू कर दिया, सब लोग ऐसे भिखारी हो गए, और फिर हमारे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा आए, अच्छा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की तन में आते थे, फिर ये सब विनाश हुआ। उसके बाद हम अपने परम धाम पहुंच गए, परम धाम से सीधे इधर, ये पूरा चक्कर फिरता ही रहता है। अच्छा वाह भाई, ये तो इसीलिए इसमें लिखा है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। अच्छा तो अनन्या आपने तो कमाल कर दिया, ये थोड़े समय में आपने पूरे 84 जन्मों की कहानी को आपने हमें बता दिया। वाह भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो अनन्या आपने इतने सारे कोर्स भी कितने लोगों को अभी तक कराया होगा अपने सेंटर में जो आते हैं, संडे को आते हैं छुट्टी के दिन तो कराते हैं या रोज कराते हैं। कुछ रोज कराते हैं तो अभी तक आपने अंदाज गिनती किया कितने लोगों को आपने कोर्स कराया होगा। अभी तो मैं प्रदर्शनी में हजारों लोगों को समझा चुकी हूँ। वाह भाई तो कमाल कर दिया आपने अनन्या, और उन हजारों में मैं भी एक शामिल हो गया ना, अभी मुझे भी समझाया ना आपने, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आप इतना अच्छा समझाती हैं, तो वैसे तो और सब प्रदर्शनी के जो चित्र हैं वह सब समझाते होंगे, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अनन्या आपको इतना अच्छा ज्ञान आपको कब मिला, किसने दिया और कहाँ से मिला, कैसे बता, आपको कब से ये पता चला कि ये ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा। जब से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की तन में आते हैं, तब से मुझे पता चला। अच्छा बात भाई कमाल के हैं, अभी तो आपकी उम्र 6 साल की है और शिव बाबा तो 1936 में आए, तब से मतलब इसका मतलब आप पिछले जन्म की बात आपको याद है, तब से ज्ञान में हैं आप। तो अनन्या घर में और कौन कौन ज्ञान में चलते हैं। मैं चलती और मेरी मम्मी चलती। मम्मी चलती हैं, तो अनन्या आप तो बहुत लाडली हो अपने घर की है ना, बड़ी प्यारी लाडली हो। कभी कभी डांट पड़ती है आपको। हाँ, डांट तो मम्मी से तो पड़ती है, पर मैं कह देती हूँ हाँ कि डांटना नहीं है, अच्छा डांटना मम्मी नहीं, बाबा ने मना किया। अच्छा तो जब मम्मी डांटती तो आप कहते हैं बाबा ने मना किया डांटना नहीं, तो मम्मी क्या करती है। मम्मी कहती है अब मैं शरारत करूंगी, तो बाबा ने ऐसे कोई मना नहीं किया। थोड़ा थोड़ा डांटती है लेकिन डांटने के बाद प्यार भी तो करती है ना। तो आपको घर में सबसे ज्यादा डांट किस बात पे पड़ती है बताओ। सबसे ज्यादा तो मोबाइल पे पढ़ती है। मोबाइल पे क्या करते हैं मोबाइल को। मोबाइल में मैं खेलती हूँ तो बैटरी खत्म हो जाए तो उसका अच्छा हाँ बैटरी ख़त्म हो जाती है इसलिए है ना, है। तो मम्मी की बात तो मान भी जाती है ना। वाह भी बहुत अच्छी बच्ची हैं आप। तो अनन्या बताएं स्कूल में आप पढ़ाई पढ़ती हैं तो आपकी सहेलियां भी मिलती हैं, क्या कहती हैं आपको। मुझे कहती है, जब एक दिन ब्रेकफास्ट हो रहा था ना, तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा मेरे में से ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें ओनियन गार्लिक होगा, किसी का हाथ का तो नहीं खा, मैं तो अपना ही खा रही हूँ, तो मैंने उनके में से नहीं लिया, मेरा ही खा गई। तो अनन्या आपको इस जन्म में ज्ञान में चलते हुए कितने साल हो गए। 2 साल 2 साल से। वाह तो अनन्या आप स्कूल में पढ़ाई पढ़ती हैं तो कई प्रोग्राम भी स्कूल में होते हैं तो उसमें भाग लेते हैं, क्या क्या करते हैं। मैं डांस में रही थी तो पीछे कर दिया था, अच्छा तो मुझे लगा मुझे पीछे नहीं रहना है, मुझे आगे रहना है, तो ऐसा कर कर मैं अमृत वेला उठी, बाबा से जोरदार योग किया, डांस के लिए, मेरे लिए, सबके लिए योग किया, और धीमे धीमे मैं आगे हो गई अच्छा डांस फिर वो में। डांस में भी डांस करते हुए आगे बढ़ गई, ऐसा आगे में डांस में भी आगे रखा और डांस में आप आगे भी बढ़ गए ऐसा ही ना। तो अभी हम चाहेंगे कि कुछ डांस आप दिखाएंगे, तो दिखाएंगे डांस।
कौन से गीत पर पहला डांस? पहला डांस है तुमसे ही प्रीत मेरी, तुमसे ही प्रीत मेरी, वाह। तो चलिए डांस देखते हैं आपसे। तुमसे ही प्रीत मेरी, तू ही सच्चा यारा है, प्रीत मेरी तू ही सच्चा यारा है, तुमसे ही प्रीत मेरी तू ही सच्चा यारा है, तेरा साथ प्रभु मुझको घर साथ से प्यारा है, तेरा साथ प्रभु मुझको हर साथ से प्यारा है, बस इतना ही मुझे कहना है तेरे चरणों में ही रहना है, बस इतना ही मुझे कहना है तेरे सामने तू वादा कर, सामने तू वादा कर, मेरा हाथ न छोड़ेगा, तू मेरा है तेरा, कभी साथ न छोड़ेगा, तुमसे ही प्रीत मेरी तू की सच्चा यारा है, तेरा साथ प्रभु मुझको घर साथ से प्यारा है। अनन्या आपने इतना बढ़िया डांस किया, तुमसे ही प्रीत मेरी, मतलब शिव बाबा से इतना प्रीत है आपको, कितना प्रीत है बताओ? बहुत सारा। बहुत सारा, अच्छा। शिव बाबा को आप इतना प्यार क्यों करते हैं बताओ? शिव बाबा क्या करते हैं आपके लिए? मुझे जो उसी दिन में चाहिए होता है ना, तो वो है ना, मुझे थोड़ी देर बाद या शाम रात में ऐसे दिलवा देता है। तो हम चाहेंगे अनन्या कि कोई और गीत पर आप डांस अभी दिखाएंगे हमें? हाँ। तो कौन से गीत पर डांस दिखाएंगे? उड़ के चले। उड़ के चले, अच्छा। तो चलिए उड़ के चले पर डांस देखेंगे। अनन्या आप तो एकदम परी लग रही हो ऐसे लग रही जैसे आसमान से उतर के अभी अभी आई हो, यहाँ पे उतरी हो, शिव साजन की परी है ना। कौन से गीत पे डांस कर रही थी अभी? उड़ के चली। उड़ के चली, वाह। तो अभी उड़ के चली और उड़ के आई हो? अभी उड़ के बाबा के पास गई थी। हाँ। और अब उड़ के आ गई हूँ। उड़ के आ गई और बाबा के पास फिर उड़ के जाएंगी, जब चाहे तब जा सकते हैं ना। तो हम चाहेंगे कि एकाक डांस अगर आप शिव बाबा के लिए कोई आप डांस करके दिखाएं, तो दिखाएंगे कौन से गीत पर? मेरा बाबा मीठा बाबा। मेरा बाबा मीठा बाबा, इस पर आप डांस करेंगे। चलिए। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, 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 इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, दुनिया जिसको ढूंढ रही है धरती पे पधारा, आओ मेरे
के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। अच्छा ननिया, आपने इतना अच्छा डांस किया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। मैं आपको एक ना स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। अच्छा स्टोरी, कौन सा स्टोरी? एक बार राजा और एक सिपाही थे, वो रोज शाम को अपने गार्डन में घूमने जाता था। तो शाम हो गई थी, तो वो राजा ने कहा सिपाही को कि चलो अब मुझे गार्डन में घुमाने ले जाओ, मुझे इधर मजा नहीं आ रहा बैठे बैठे। तो सिपाही उसको ले जाता है और वो रास्ते में चलते चलते गार्डन पहुंच गया। गार्डन में देखा कि अंगूर ऊपर और तरबूज नीचे, क्यों तरबूज नीचे नहीं होता है? अच्छा, अंगूर ऊपर और तरबूज नीचे, ऐसा देखा। तो उसने कहा ये भगवान ने क्या उल्टा बनाया है, हमको तरबूज ऊपर रखना चाहिए और अंगूर नीचे रखना चाहिए, ये क्या भगवान ने उल्टा बनाया? अच्छा। सिपाही ने कहा कि भगवान ने सब सही बनाया, अभी आगे चल कर देखना। ऐसे कर कर वहाँ पर दोनों आराम कर लिए। फिर उसके बाद बहुत आराम कर लिया, वो उठे और कहा चलो हम और आगे वाले पैर में जाकर फिर वहाँ पर सोते, थोड़ा चले तो सही। फिर थोड़ा चल के फिर वहाँ पर एक पेड़ आया, तो वहाँ पर आराम करा। तो उन्होंने उनके ऊपर एक वो था, अंगूर ऊपर था और वो सो रहे थे, तो उनके ऊपर अंगूर गिरा। अच्छा। फिर राजा ने कहा ये मेरे ऊपर क्या गिरा? तो सिपाही ने कहा ये आपके ऊपर अंगूर गिरा, अब बस देख लिया ना, अगर उसकी जगह और ऊपर तरबूज होता, अगर गिरा होता तो बहुत लगता ना। तो हमको इससे ये सीख मिलती है कि हमको कभी भगवान के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए, और भगवान ने जो बनाया वो ठीक ही बनाना है। एकदम राइट, एकदम ओके है जो भी भगवान ने बनाया। वाह बहुत अच्छा। तो अनन्या आप यहाँ पे आए, हमें बहुत खुशी हुई, आप भी खुश हुए? हाँ हम भी खुश हुए, बहुत 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 खुश हुए, बहुत अच्छा। आपके चेहरे से लग भी रहा है कि आप बहुत खुश हैं। तो जाते जाते हमारे उभरते सितारे टीम की तरफ से आपको स्पेशल सर्टिफिकेट सम्मान के तौर पर आपको देते हैं। तो नन्या आपको ये स्पेशल सर्टिफिकेट सम्मान के तौर पे दे रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। तो देखा दोस्तों, ये वो बच्ची हैं जो देश की धड़कन है, देश की जान है और देश की आन बान है। ऐसे बच्चे जब मंच में आते हैं और अपने कला की प्रस्तुति करते हैं, अपने विचारों को देश के सामने अपने कला के माध्यम से लाते हैं, तो पूरा देश को एक नई दिशा मिलती है। दोस्तों अपने घर के बाहर रास्ते में भी जलाओ कुछ दिए, ये न पूछो कि कौन गुजरेगा इधर से किस लिए। दोस्तों हमने कोशिश की है हमारे उभरते सितारे कार्यक्रम के माध्यम से एक दिया जलाने की, जिसकी रोशनी देश दुनिया में सब तरफ पहुंचे। आपके आसपास भी कोई ऐसे दिए हैं, अर्थात ऐसे कलाकार बच्चे हैं, नन्हे बच्चे जो कई प्रकार के गुणों से सजी हुई है, उनको हम तक पहुँचाइए। हमारी पूरी कोशिश होगी अपने इस मंच के माध्यम से आप तक उनकी कला को पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में एक नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे, देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे, मूल्य मंच की दुनिया में कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। विश्व के भविष्य हैं, गुणों से जग को संवारे, मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते।
सितारे हमारे।